जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सभागार में एडीएम फाइनेंस गजेंद्र सिंह ने कलेक्टर के सभी कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अब आगे से जो भी काम पेपर और फाइलों में होता है वो लैपटॉप कंप्यूटर पर होगा। अब आगे से जो भी कागजी कार्रवाई होगी वो पेपर लेस पर होगी। पेपर का कोई भी प्रयोग प्रशासनिक कर्मचारी अब नहीं करेगा। बैठक उसी को लेकर की गई। सभी कर्मचारियों के लिए पेपरलेस करने के लिए की जा रही है। और सबसे पहले मुजफ्फरनगर में कलेक्टर और सीडीओ कार्यालय विकास भवन में लागू होगी। हाँ, जनपद मुजफ्फरनगर में जो भी फाइलों का मूवमेंट है उसको पेपरलेस करते हुए ई ऑफिस के रूप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें पहले फेज में कलेक्ट्रेट को और विकास भवन को लिया जाएगा, दूसरे फेज में तहसीलों को जो अन्य ऑफिस हैं उनको लिया जाएगा। और जो भी फाइलों का मूवमेंट होगा वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इसके लिए आज कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों की मीटिंग की गई है, उनकी क्योंकि इसमें ज़रूरी होगा कि हर एक कर्मचारी की डीएससी बनेगी तो उनके डीएससी के फॉर्म वगैरह भरवाए गए हैं, उनको एक प्राथमिक प्रशिक्षण आज दिया गया है। और जब डीएससी बन के आ जाएगी तो उसके बाद जो फाइल मूवमेंट होगा उसके लिए एक एग्जॉस्टिव प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और उसके बाद कलेक्ट्रेट में जो भी ई ऑफिस की प्रक्रिया है पूरी इम्प्लीमेंट की जाएगी। सर, इसके लिए जो बिडिंग होगा या जिसको वो चाहिएगी रिसीप्ट या जो चाहिएगा देखिए, अभी भी IGRS की जो सुनवाई होती है उसमें हर कर्मचारी हर शिकायतकर्ता के मोबाइल पे मैसेज आता है। तो जो भी फाइलों बेसिकली ई ऑफिस का जो कंसेप्ट है वो फाइलों के मूवमेंट के लिए है। और पहले से ही शिकायतकर्ता के पास में ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, 1076 पे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जो भी उनकी ट्रैकिंग होती है एप्लीकेशन की वो उनके मोबाइल के थ्रू हो सकती है। अभी जो टारगेट है हमारा वो 15 जुलाई तक अपने ऑफिस को ई ऑफिस के रूप में कन्वर्ट करने का है और हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जी, मुजफ्फरनगर में होगा या उससे पहले भी कहीं अन्य जनपद में? नहीं, ये सबसे पहले कन्नौज जनपद में हो चुका है और इसके अलावा कन्नौज के साथ साथ में 6 जनपद में और हुआ है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 8वें जनपद के रूप में हमारा नाम आए। देखिए, सबसे पहले तो पेपर हमारे बहुत कम हो जाएंगे, पेपरलेस है। और जो फाइलों का मूवमेंट है वो टाइमली होगा, क्योंकि जैसे ही टाइम लिमिट जो उसमें बनाई जाएगी अगर वो क्रॉस होती है तो तुरंत उसके बाद में उनके जो पर्टिकुलर जो भी कर्मचारी हैं उनके इनबॉक्स में वो ब्लिंक करने लगेगा टाइम लिमिट होने के बाद में। तो फाइलों का मूवमेंट जो है वो विद इन टाइम होगा और निश्चित रूप से इसमें पर्यावरण के बहुत फायदा होगा। पहला जो टारगेट है हमारा 15 जुलाई से करने का है और हम 15 जुलाई को ही टारगेट लेकर चल रहे हैं।